प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि डिग्री से ज्यादा कॉम्पिटेंस की इंपोर्टेंस बढ़ेगा। ये बैकग्राउंड आपका ऐसे ही दिख रहा है, भले ही बीटेक पास कर गया लेकिन ये स्किल कॉम्पिटिशन एक प्रकार से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक स्किलिंग सिस्टम है। आप उसको अपस्किलिंग कह सकते हैं, रिस्किलिंग कह सकते हैं। हमारी देश की शिक्षा प्रणाली में किताबों की ज्यादा महत्व है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो किया उसको हमने कहा कि इसके कुछ पढ़ाई उड़ाई के तो होता नहीं है, इसलिए घूमता है इधर उधर हाथ लगाता है। हमारी एक फंडामेंटल कंफ्यूजन मैकॉले एजुकेशन मेथड के कारण बनी है। मैंने कभी सोचा कि इतने लोग डिग्री क्यों करते हैं। 12th के तो 10th 12th दीज आर द टू बेसिक एजुकेशनल पीरियड। 10th तक कर लिया बेसिक एजुकेशन, लैंग्वेज की, न्यूमेरेसी की, एनालिटिक्स की, चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करने की जो ज्ञान की आवश्यकता है वो 12वीं तक आ जाता है। 12वीं तक सभी लोग जेई में जाके क्यों बैठते हैं? 12वीं के बाद सभी लोग नीट में क्यों बैठते हैं? ये क्वेश्चन मार्क मेरे मन में आया। और सभी लोग यूजी कोर्स में क्यों जाते हैं, अप्लाइड कोर्स में क्यों नहीं जाते हैं? जब कोई हमारे जो कोयम्बटूर की पार्टिसिपेंट मेडलियन आया था, उन्होंने पढ़ाई क्या क्या यहीं कहीं थी कोयम्बटूर की जो, हाँ यूर व्हाट्स योर एकेडमिक, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, आधे लोग उसको जानते भी नहीं होंगे। ये अप्लाइड पार्ट, ये धीरे 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 हमारी बच्चे स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यानी आपके शायद मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में जो इंजीनियरिंग कंपोनेंट की आवश्यकता है उसी के कोर्स होगी, राइट? देखो मैं पास कर गया, मैं थोड़ा बहुत स्किल्ड हूं। अभी उसको आईआईटी जम्मू और एम्स जम्मू मिलके इस प्रकार की कोर्स ब्लेंड कर रहे हैं। अभी अभी प्रधानमंत्री जी को भाषण देते हुए मैंने सुना जोधपुर में आईआईटी जोधपुर और आईआईएम जोधपुर दोनों मिलके इस प्रकार के कोर्स कर रहे हैं, जो हमारी बच्ची पहले से समझ के उसमें कोई इंस्टीट्यूट में, कौन से इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा? ईरोड तमिलनाडु, नॉट कोयम्बटूर, आई एम सॉरी। चलो ईरोड हैज ए प्राइड, इट्स ए प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ऑटोनोमस, इट्स ए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, सिट डाउन। जो आधा मार्क दिया जाएगा एआईसीटी चेयरमैन को, उन्होंने कम से कम उस कोर्स को नहीं अटकाया। बहुत जगह पे मार्केट की क्या नीड है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्किल रिक्वायरमेंट है, इसकी कैलकुलेशन, इसकी मैपिंग एजुकेशन दुनिया के लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए डिग्री और कॉम्पिटेंसी के बीच में गैप आते हैं, इसको कभी स्किल गैप कहा जाता है, जिसके बारे में अभी G20 में प्रधानमंत्री जी ने खुद लीडरशिप लिया, विश्व की सभी बड़े अर्थनीति को यह समझाने में सफल हुए कि हम अगर आगे 21वीं सदी में बढ़ना है तब हमको दुनिया की नीड क्या है उसको समझेंगे, तब जाके हम स्किल गैप को फिलअप कर पाएंगे। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।